तस्वीरों में जिन बच्चों को आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के देवरिया के स्कूल के बच्चे हैं, जो आज संसद भवन देखने के लिए देश की राजधानी दिल्ली में आए हैं। देवरिया के ओरिएंटल इंस्टीट्यूट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों ने पहली बार संसद भवन को देखा। उसके बाद इंडिया गेट, अमृत उद्यान, इटालियन एम्बेसी का भी मुआयना किया। इन बच्चों ने बताया कि पहली बार संसद भवन में नेताओं को देखने का मौका मिला, इन्हें बहुत अच्छा लगा। सुनिए क्या कुछ कहना है इन बच्चों का और स्कूल के डायरेक्टर का। एजुकेशनल ट्रिप से हमें यहाँ पे ले आया गया है ताकि हम यहाँ पे आके नई चीजें सीखें और जाने। आप बताइए यहाँ आने का मकसद क्या है? यहाँ आने का मकसद हम लोग को नई नई चीजें सीखना था और उनके बारे में पढ़ना था। क्या देखा आज आप लोगों ने? आज हम लोग इटली एम्बेसी गए थे, जहाँ हम वहाँ की लैंग्वेज के बारे में जाने सीखे और लाइब्रेरी में कुछ पढ़ा भी। आप बताइए क्या देखा आज आपने? आज हम इटालियन एम्बेसी गए थे, जहाँ हमने वहाँ के रिलीजन के बारे में सीखा, वहाँ के लैंग्वेज के बारे में सीखा और वहाँ के लैंग्वेज पूरा पढ़ा। वहाँ की लाइब्रेरी में बुक्स थी जिनको हमने वहाँ की हिस्ट्री को पढ़ा। आप बताइए क्या कोई इनवाइट मिला था आप लोगों को यहाँ आने के लिए और कितने बच्चों को लेकर आए हैं और कहाँ से आए हैं? हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ओरिएंटल इंस्टीट्यूट सीनियर सेकेंडरी स्कूल को, जो कि अमेठी खोड़ाराम रोड देवरिया में है, उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है। इनवाइट कहीं से कुछ नहीं मिला था, एक एंडेवर था जो मेरे बगल में मेरे छोटे भाई हैं जो डायरेक्टर ऑपरेशंस भी हैं, विनायक विजय, उनका एंडेवर था और उसको हम लोगों ने कार्यान्वित किया, इम्प्लीमेंट किया। लर्निंग बाय ट्रैवलिंग इसकी थीम थी, जिसके माध्यम से हमें हमेशा दिमाग में शुरुआत से था जब से हम लोगों ने स्कूल शुरू किया कि बच्चों को जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग, आजकल CBSE कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की बातें करता है, तो उसको स्ट्रेंथन कैसे किया जाए, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने ट्रिप ऑर्गेनाइज़ की। हम लोगों ने अपनी तरफ से लोगों को लिखा, एम्बेसीज़ को लिखा और कुछ हमें सहयोग भी मिला बघेल सर जैसे लोगों से, तो उन लोगों ने भी इनवाइट किया, हम लोग आए, मिले और ये सिर्फ शुरुआत है। हम कहेंगे कि आगे आने वाले टाइम में हम अपने बच्चों को, अपने ही स्कूल के ही नहीं, अपने रीजन के भी बच्चों को और आगे बढ़ते देखना चाहेंगे। आप बताइए। मैम, ये बहुत पहले से हमने एक मन में प्रस्पेक्टिव बनाया हुआ था कि बच्चों को एक्सपोजर कैसे दिलाएं, बिकॉज हम जिस रीजन से बिलोंग करते हैं वो थोड़ा सा रूरल एरिया है, तो वहाँ पे बच्चों का एक्सपोजर नहीं हो पाता है। वहाँ पे बच्चे संसद सिर्फ टीवी में देखते हैं, मिनिस्टर्स को, मंत्रियों को सिर्फ टीवी में देखते हैं, तो हमने बच्चों को इस एक तरह से कहिए सपनों को साकार करने के लिए, और हम जहाँ भी हमने अप्रोच की, अमेठी खोड़ाराम रोड देवरिया में है, उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है। इनवाइट कहीं से कुछ नहीं मिला था, एक एंडेवर था जो मेरे बगल में मेरे छोटे भाई हैं जो डायरेक्टर ऑपरेशंस भी हैं, विनायक विजय, उनका एंडेवर था और उसको हम लोगों ने कार्यान्वित किया, इम्प्लीमेंट किया। लर्निंग बाय ट्रैवलिंग इसकी थीम थी, जिसके माध्यम से हमें हमेशा दिमाग में शुरुआत से था जब से हम लोगों ने स्कूल शुरू किया कि बच्चों को जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग, आजकल CBSE कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की बातें करता है, तो उसको स्ट्रेंथन कैसे किया जाए, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने ट्रिप ऑर्गेनाइज़ की। हम लोगों ने अपनी तरफ से लोगों को लिखा, एम्बेसीज़ को लिखा और कुछ हमें सहयोग भी मिला बघेल सर जैसे लोगों से, तो उन लोगों ने भी इनवाइट किया, हम लोग आए, मिले और ये सिर्फ शुरुआत है। हम कहेंगे कि आगे आने वाले टाइम में हम अपने बच्चों को, अपने ही स्कूल के ही नहीं, अपने रीजन के भी बच्चों को और आगे बढ़ते देखना चाहेंगे। आप बताइए। मैम, ये बहुत पहले से हमने एक मन में प्रस्पेक्टिव बनाया हुआ था कि बच्चों को एक्सपोजर कैसे दिलाएं, बिकॉज हम जिस रीजन से बिलोंग करते हैं वो थोड़ा सा रूरल एरिया है, तो वहाँ पे बच्चों का एक्सपोजर नहीं हो पाता है। वहाँ पे बच्चे संसद सिर्फ टीवी में देखते हैं, मिनिस्टर्स को, मंत्रियों को सिर्फ टीवी में देखते हैं, तो हमने बच्चों को इस एक तरह से कहिए सपनों को साकार करने के लिए, और हम जहाँ भी हमने अप्रोच किया वहाँ पे हमें बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, या वो संसद हुआ या वो ऑनरेबल सर से मिलने का मौका मिला, तो बच्चों में एक नया उत्साह आया और उन्हें जीवन में कुछ और करने का एक प्रेरणा मिली। आपने संसद देख लिया? हाँ। कैसा लगा आप लोगों को? हमें उससे बहुत ही प्रेरित मिला, मतलब वो किस तरह उनका डिबेट चलता है, इससे हम लोगों को ये मिलता है कि मतलब हमें ये पावर मिलती है कि हम लोग कैसे किसी के सामने डिमॉन्स्ट्रेट करें, क्या बातें करें, हमें ऐसा कुछ मिलता है। पहली बार गए थे संसद देखने? हाँ, पहली बार गए थे। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मतलब वहाँ मतलब कुछ सीखने को मिला कि कैसे
कैसे वो लोग डिबेट करते हैं, किस तरह से वो लोग बातें करते हैं, कैसे कार्य आप बताइए कैसा लगा आज संसद भवन जाकर? सोचा था कितनी जल्दी जाके संसद भवन में पहुंच जाएंगे? नहीं सोचा तो नहीं था, पर गए वहाँ पे और देखा कि मतलब कैसे लोग मतलब क्या बोल रहे हैं लोग, और बहुत अच्छा लगा हमें वहाँ जाने पर। आप बताएं उसमें बहुत अच्छा लगा वहाँ पर संसद भवन में जाने के बाद सारे नेताओं को वहीं